गाइस गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पे। मेरा नाम है श्रद्धा और आप देख रहे हैं स्माइल विद मी। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि एक ही एपिसोड में सारे लेटर्स कवर नहीं कर सकती। जिन्होंने भी मुझे मैसेजेस करके ये पूछा है कि आपने मेरा लेटर क्यों नहीं लिया, तो यही एक रीज़न है कि अगर मैं सारे लेटर्स एक ही एपिसोड में कवर करती हूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा जाता है, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं एक एक एपिसोड में मैक्सिमम 4 लेटर्स ले सकती हूँ, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो तो आइए बढ़ते हैं अभी लेटर्स की तरफ। पहला लेटर मुझे आया है, हाय श्रद्धा दी, अभी मैंने 10th ख़त्म की है और मैं 11th में कॉमर्स स्टैंडर्ड ज्वाइन किया है। कॉलेज में अभी फ़िलहाल अकाउंट्स रिलेटेड वगैरह बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, पता नहीं कैसे कोप अप कर पाऊँगा। पहले तो सिर्फ मैथ्स या साइंस ऐसे बेसिक थे, अभी बहुत इन डिटेल में है तो पता नहीं, अभी जस्ट शुरुआत ही हुई है, बट मुझे बहुत ज़्यादा ही टेंशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। पता नहीं इस चीज़ को कैसे डील कर पाऊँ, किसी को बता भी नहीं पा रहा हूँ। देखो अभी आपका जो स्टार्टिंग है, ओके, 11th है, उसके बाद आप 12th में जाओगे, तो 11th का जो एक फेज रहता है एक साल का, वो आपको मोस्ट अभी आपको समझने में ही जाएगा। उसके साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको आगे करनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि ऑन दिस लाइक इनिशियल स्टेज पे आपको इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत है, कोई भी स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम लाइक प्रिटी श्योर कि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होते हो। और आपको स्ट्रेस की बजाय थोड़ा सा यू नो होमवर्क करना पड़ेगा अलग से, यू नो फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ थोड़ा सा वक्त बैठ के आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको यू नो क्लियर आउट, आपके माइंड में जो कुछ डाउट्स है उसको क्लियर कर देना चाहिए। बट इनिशियली अभी 1-2 महीना माइंड में ऐसा ही रहेगा। आई एम वेरी श्योर कि जो भी कोई भी स्ट्रीम हो, लाइक 10th से अगर 11th में आप एकदम से जाते हो, या फिर इवन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस में जब 7th से 8th में गई थी तो हमारे भी मैथ्स के 2 यू नो सब ग्रुप्स थे, या फिर साइंस के 2 सब ग्रुप्स थे, तो इट वॉज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। और मैं आपकी सिचुएशन एकदम से समझ सकती हूँ, बट इवेंचुअली यू नो आपसे वो हो जाएगा। ओके, जस्ट थोड़ा सी प्रैक्टिस करो, होमवर्क अच्छे से करो और स्ट्रेस बिल्कुल ना लो, बिकॉज अगर आप ज़्यादा ही स्ट्रेस करोगे, ज़्यादा ही सोचोगे इस बारे में, तो यू नो आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाओगे और ये इम्पैक्ट आपकी 12th स्टैंडर्ड में होगा, बिकॉज अभी तो आपको तैयार कर रहे हैं वो 12th स्टैंडर्ड के लिए, तो मेक श्योर आप अच्छे से रिविजन करो, मैं यही बात बताना चाहती हूँ। ओके, और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा। ओके, अभी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आया है, हाय श्रद्धा, मैं कॉलेज में जाती हूँ और मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो भी मुझे बोलता है कि ही लाइक्स मी, बट पता नहीं वो फ्लर्ट करता है या जेन्युइन है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है भी नहीं और ये भी मुझे पता नहीं है, मैं कभी मिल नहीं पाई हूँ उससे, पर जब भी बात होती है हमारी फ़ोन पर तो आई फील ही वेरी केयरिंग, लगता है कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। तो लाइक मुझे यही सोल्यूशन मिल रहा है कि आप अपनी तरफ से सीधे सीधे उससे एक बार पूछो कि वो भी आपसे प्यार करता भी है या नहीं, बिकॉज सी आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। एक बार आपने क्लियर आउट कर दिया कि वो बंदा प्यार भी करता है या नहीं, तो उसके बाद यू नो आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो, बिकॉज इतना साल वेट करके उसके बाद उसने ना बोला तो वो आपको ज़्यादा होट हो जाएगा, तो बेटर है कि आप उससे एक बार अच्छे से पूछ लीजिएगा। ओके, तो आपको पता चल जाएगा, और क्योंकि बहुत साल बाद अगर आपने उसको आपको पता चला कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या यू नो उसकी शादी होगी या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ रीजंस से आपको पता चल गया, तो फिर वो बाद में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा और इतने साल बाद यू नो आपका भी झुकाव उसकी तरफ ज़्यादा हो चुका होगा, तो वो यू नो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अभी से आपको कुछ पता चलता है तो यू नो आप मूव ऑन कर सकते हो।
ठीक है, तो अपने तक की ये बात सीमित मत रखो, उससे एक बार बात करके देखो, तो यू नो क्लियर आउट होने से चीज़ें अच्छे से सॉल्व हो जाती है और अच्छा एंडिंग भी रहता है चीज़ों का, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी सलाह मान लीजिए, उससे एक बार बात करके उससे सीधे सीधे पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आता है, मैं 2 साल से ज़्यादा एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, बट पता नहीं क्यों जैसे मेरे दोस्त करते हैं पब्लिकली उसने डिस्क्लोज नहीं किया है, वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा शाय पर्सन हूँ, ना ही उसने कुछ सोशल मीडिया पे हमारे फोटोज डाले हैं, ना मुझे डालने देता है। अगर आप 2 साल से भी ज़्यादा देर तक उसके साथ रिलेशनशिप है तो आपको बहुत ये बहुत बेसिक चीज़ें जो है वो आपको समझनी चाहिए, या फिर वो आपको अभी तक पता होनी चाहिए, बिकॉज 1 साल तक के रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें एक दूसरे के बारे में अपने को पता रहती है। ओके, तो मैं आपसे ये बहुत बेसिक चीज़ें एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अभी तक तो यू नो आपको सारी चीज़ें उसके बारे में पता होनी चाहिए, और 2 और 2.5 साल के बाद अगर आप रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको डाउट है अपने रिलेशनशिप पे, तो आई थिंक यू नो आपका आगे जाके बहुत ही ज़्यादा यू नो प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो एक तो मैं आपसे यही सलाह दूंगी आपको कि एक आपने उनसे बात करके यू नो एक तो सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, बिकॉज ऐसे डाउट दिमाग में लेके रिलेशनशिप आगे बढ़ाना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। अब पॉसिबल हो भी सकता है, बट यू नो आपको बहुत ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, डाउट्स ने अगर आपके माइंड में यू नो घर बसा लिया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट आगे जाके यू नो, तो आप एक बार बात करके सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। और अभी आई थिंक 2+ ईयर्स हो गए आपके रिलेशनशिप को, तो यू नो अगर आपका आपने मुझे ईयर्स नहीं बोला, आप क्या करते वो कुछ नहीं बताया, तो मैं ये नहीं बता सकती, बट इतना अगर आपने लाइक कॉलेज लाइफ किया है और आपका करियर वगैरह सेट है, तो 2.5 ईयर्स अगर प्लस होते हैं आपके रिलेशनशिप को, तो यू नो आपने अपने रिलेशनशिप के बारे में आगे सीरियसली सोच के यू नो आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के फैमिली से वगैरह बात करके। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, बाकी का तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। ओके, तो ये रहा मेरा 3रा और आखिरी सवाल। आगे मेरे वीडियोस ऐसे ही देखने के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अभी अगले ट्यूसडे को रात 8 बजे, तब तक बाय बाय।